बात देश की पॉलिटिक्स की, 8 राज्यों में 19 राज्यसभा की सीटों पर 19 जून को ही चुनाव होने वाले हैं। लेकिन दिलचस्प खेल ये है कि कांग्रेस को कई जगह पर घेर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हम आपको बताएंगे राज्य दर राज्य, चाहे वो गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, यहां पर तो उलझा ही दिया था कांग्रेस पार्टी को, अब राजस्थान में भी उलझा दिया है कांग्रेस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस दिल्ली में अपना पूरा प्लानिंग कर रही थी, इस बीच झारखंड में भी लगता है बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ रही है। आइए आपको बताते हैं एक एक राज्य में कितनी सीटों पर होनी है वोटिंग, कितनी सीटों पर उलझी हुई है कांग्रेस पार्टी और बीजेपी क्या करती दिखाई दे रही है। शुरुआत करते हैं गुजरात से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के गृह राज्य से। 4 राज्यसभा सीटें हैं यहां पर, लेकिन उम्मीदवार उतर गए हैं 5। बीजेपी ने 3 उम्मीदवारों को उतार दिया है और कांग्रेस की तरफ से हैं 2 उम्मीदवार। फिर हम आपको वोटों की गिनती और क्या है अंक गणित वो भी समझाएंगे। सबसे पहले उम्मीदवार, तो राज्यसभा उम्मीदवार जो बीजेपी की तरफ से उठाए गए हैं उनमें है अभय भारद्वाज, रमीला बेन बारा और तीसरे कैंडिडेट के तौर पर नरहरी अमीन को मैदान में उतार दिया गया है। कांग्रेस की तरफ से कौन है? कांग्रेस की तरफ से शक्ति सिंह गोहिल है और भरत सिंह सोलंकी है। अब हम आपको बताते हैं अंक गणित। देखिए, अगर यहां पर आपको जीत हासिल करनी है तो 35 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास है कुल 103 विधायक, तो आप समझ लीजिए 70 के साथ वो 2 तो आसानी से जिता रहे हैं। तीसरे के लिए जो रस्साकशी है वो हम आपको बताएंगे। कांग्रेस के पास कितने विधायक बचे हैं? सिर्फ 65। अब आप समझिए जो अन्य लोग हैं, यानी जो छोटी छोटी पार्टियां हैं और अन्य विधायक हैं, वो बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं ऐसे सिनेरियो में। जिस तरफ जाएंगे उस तरफ जीत ले जाएंगे। शक्ति सिंह गोहिल को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्राइम कैंडिडेट घोषित कर दिया है, तो उनके लिए तो रास्ता आसान है, लेकिन मुश्किल दूसरे कैंडिडेट को हो सकती है। कैसे? हम आपको बताते हैं। क्योंकि 103 विधायक बीजेपी के, 65 विधायक कांग्रेस पार्टी के लिए, लेकिन जो अन्य है उनमें 2 है बीटीपी के, 1 एनसीपी का और 1 निर्दलीय विधायक। तो ऐसे में अगर ये सभी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं, जिनमें बीटीपी है, एनसीपी है, 1 निर्दलीय विधायक, आपने देखा होगा जिग्नेश मेवाणी जमकर बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, ये सब अगर मिल जाते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब भी उन्हें 1 विधायक की दरकार होगी अपने दूसरे कैंडिडेट को जिताने के लिए। फिलहाल जिस तरह से समीकरण उलझे हैं उसमें ऐसा लगता है कि बीजेपी बाजी मार ले जाएगी। अब बात करते हैं झारखंड की। यहां पर है 2 राज्यसभा सीटें, लेकिन यहां पर भी मामला कैसे बीजेपी के पक्ष में चला गया है ये हम आपको बताते हैं। क्योंकि 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। 1 जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसके हेमंत सोरेन इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, तो दूसरे उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी के और तीसरे बीजेपी के। तो शिबू सोरेन उतरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। शिबू सोरेन मौजूदा जो उनके पास संख्या है बड़ी आसानी से राज्यसभा पहुंच जाएंगे। मामला अटकता है टक्कर का बीजेपी और कांग्रेस के लिए, लेकिन बीजेपी कैसे बाजी मारती नजर आ रही है वो हम आपको बताते हैं। क्योंकि 27 वोट यहां पर चाहिए अगर किसी उम्मीदवार को जीतना है। ये 27 बहुत आसानी से शिबू सोरेन के पास है और वो तो जीत ही रहे हैं, लेकिन बीजेपी के पास विधायकों की संख्या है 25, उन्हें चाहिए 2 और। कैसे आए? एक तरफ तो बाबूलाल मरांडी, उन्होंने एक वक्त पर बीजेपी के कद्दावर नेता वो हुआ करते थे वहां पर, बाद में पार्टी छोड़ दी थी। मरांडी साहब के वापस आने से संख्या पहुंच गई 26 पर। सरयू राय का भी साथ मिल गया वापस, ठन गई थी बीच में, तो फिर यह आंकड़ा 27 पर पहुंच गया। लेकिन इसी के साथ जो पुराना साथी आजसू रहा है, स्टूडेंट्स यूनियन, वो वापस उस पार्टी का जुड़ जाना बीजेपी को बहुत क्लियर और साफ एज दे दिया है। यानी अब उनके पास 27 तो पहले से हो गए थे जो चाहिए एक जीत हासिल करने के लिए, उनको 3 आजसू के सदस्यों का भी सहयोग मिल गया है और मामला उनके लिए पहुंच गया है 30 तक का, यानी वो बड़े सेफ कॉर्नर में है। लेकिन कांग्रेस इस वक्त अटकी हुई है। कांग्रेस का हम आपको बता दें, उनका आंकड़ा फिलहाल 17 का है। राजेंद्र सिंह के निधन के बाद, प्रदीप यादव, बंधु तिर्की के शामिल होने के बाद भी 17 पर ही कांग्रेस पार्टी अटकी हुई है। लेकिन जो जेएमएम के 2 बच जाते हैं 27 के बाद, आरजेडी साथ दे रही है, एनसीपी उसके 1-1 वोट मिलने पर विधायकों की संख्या 22 पर पहुंच जाती है। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के लिए खेल जरा गड़बड़ है, क्योंकि 27 से 5 कम 22 विधायकों के ही वोट पर वो
अटकते दिखाई दे रहे हैं, यानी यहां पर भी उलझा दिया है बीजेपी ने कांग्रेस के चांसेस को। अब बात मध्य प्रदेश की, जहां पर पहले ही चोट खा चुकी कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती सामने आ गई है, क्योंकि यहां पर मध्य प्रदेश में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। अब उम्मीदवार कितने उतरे हैं यह हम आपको बता दें, बीजेपी की भी तरफ से 2 और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी 2, यानी सीटें 3 उम्मीदवार 4। दिलचस्प लड़ाई होनी ही थी। तो सबसे पहले बीजेपी के दोनों उम्मीदवार आपको बता दें, हाल ही में आपने देखा कैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके लिए प्रायोरिटी कैंडिडेट है। दूसरे कैंडिडेट के तौर पर सुमेर सिंह सोलंकी को उतारा है बीजेपी ने। अब कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह, जी हां, प्राइम कैंडिडेट वही है कांग्रेस पार्टी के, लेकिन दूसरे कैंडिडेट के तौर पर फूल सिंह बरैया की प्रतिष्ठा दांव पर है। दोनों ही तरफ, एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया प्राइम कैंडिडेट हैं, तो इधर दिग्विजय सिंह। मामला तीसरे कैंडिडेट पर अटका है। अब आपको अंक गणित समझाते हैं। यहां पर जीत के लिए 52 वोटों की जरूरत है, तो आप समझ रहे होंगे 107 विधायक इस वक्त बीजेपी के पास है। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 92 है। अगर आपको चाहिए 52, तो 52 में 104, 2 सीट तो आसानी से बीजेपी को मिलते दिखाई दे रहे हैं। तीसरे में दिग्विजय सिंह के लिए सुरक्षित परिस्थिति दिखती है, लेकिन क्या कांटे की टक्कर हो पाएगी? चौथा कैंडिडेट बसपा के 2 विधायक हैं, 1 विधायक सपा से है, 4 विधायक निर्दलीय हैं, ये सब साथ दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। मध्य प्रदेश विधानसभा में 24 सीटें फिलहाल खाली हैं। जो प्रथम वरीयता, जो भी फर्स्ट आपका जो प्राइम कैंडिडेट है, उसके लिए आपको 52 सीटें चाहिए। ऐसे में परिस्थिति ये बनती है कि मध्य प्रदेश विधानसभा में 24 सीटें फिलहाल खाली भी हैं। याद होगा आपको, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई लोग गए थे। बसपा, सपा और निर्दलीयों के वोटों की कुल जो जमा तादाद है वो 7 हुई। मौजूदा परिस्थिति में 2 सीटें बीजेपी के पाले में साफ जाती हुई नजर आ रही हैं, हालांकि 1 सीट जीतने के लिए प्रथम वरीयता में 52। तो कांग्रेस के लिए कैसे मुश्किल खड़ी हो गई है, ये आपने आंकड़ों के नजरिए से मध्य प्रदेश में भी देख लिया। मामला हर जगह कांटे का है, और ऐसा ही जबरदस्त टक्कर राजस्थान में भी बीजेपी सामने खड़ा कर रही है। मामला क्या वाकई वहां पर उलझ जाएगा? हाल ही में आपने बहुत सारी टीवी डिबेट्स भी इस पर देखी होंगी। हम आपको जरा समझाते हैं कि आखिर यहां पर क्या परिस्थिति है। सीटें हैं 3, 4 उम्मीदवार उतरे हैं, 2 बीजेपी के, 2 कांग्रेस के। कांग्रेस की ओर से पहले कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस शासित राज्य है यहां पर, उनको अपर हैंड है। केसी वेणुगोपाल के अलावा दूसरे उम्मीदवार हैं यहां पर नीरज डांगी। अब बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवार उतार दिए। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत को उतार दिया और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतार दिया। अब हम आपको बताते हैं अंक गणित। यहां पर प्रथम वरीयता के लिए, एक जीत के लिए आपको 51 वोट्स चाहिए, 51 विधायकों के वोट्स चाहिए। जो मौजूदा परिस्थिति है उसमें कांग्रेस पार्टी के 107 विधायक हैं। इसमें पिछले साल बीएसपी, मायावती की पार्टी, बीएसपी से टूटकर कांग्रेस में 6 विधायक शामिल हो गए थे। अब जो कांग्रेस को 12 निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है, 13 है, लेकिन उनमें से 12 है जो कांग्रेस पार्टी के साथ है। दूसरी ओर बीजेपी, बीजेपी के पास यहां पर 72 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन भी अगर आप इसमें जोड़ दें तो 72+3 ये हो जाता है 75, लेकिन 51×2 ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई देता है। लेकिन क्या मामला यहां पर उलझेगा, क्योंकि कांग्रेस ही आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगी हुई है। तो राजस्थान में भी सीटें 3, उम्मीदवार 4, टक्कर दिलचस्प। तो अब बात जल्दी से कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश पर अगर नजर डालें तो यहां पर मामला थोड़ा साफ दिखाई देता है। कम से कम यहां पर वाईएसआर का पलड़ा साफ भारी दिख रहा है, वाईएसआर कांग्रेस का। इधर पूर्वोत्तर की भी जल्दी से आपके सामने जिक्र कर दें, यहां पर भी जबरदस्त टक्कर होने वाला है, कड़ा मुकाबला है। तो याद रखिए, इस 19 जून को जब 8 राज्यों की 19 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होंगे, तो कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी ने कांग्रेस के चांसेस को उलझा कर रख दिया है। ऐसे राज्यों में भी जहां पर कांग्रेस का शासन है।